गुड इवनिंग एवरीवन, स्टेन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि सब कोई को मालूम हो चुका, बिहार दरोगा जो 2017 का नोटिफिकेशन था उसका रिजल्ट परिणाम आ चुका है प्रीलिम्स का। सुबह से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो स्टेन से जुड़े हुए हैं, 8000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। सुबह से सब लोग अपना बता रहे हैं कि मेरा हुआ है। जितने भी कैंडिडेट्स का हुआ है, 200 से ज़्यादा आंकड़ा अभी तक हो चुका है और इसका ग्रुप भी बन चुका है। स्टेन का जो मेंस के लिए है ग्रुप भी बन चुका है। और सुबह से सारे कैंडिडेट्स का यही सवाल है, सर मेंस का एग्ज़ाम कैसे प्रिपरेशन करें, काफ़ी सारे सवाल हैं। तो सारे सवालों को मैं यहाँ पे जवाब दूंगा। क्या सबसे पहला सवाल, क्या प्रीलिम्स परीक्षा का मार्क्स फाइनल सेलेक्शन के मेरिट में जोड़ा जाएगा? पहला सवाल था ये। मेंस परीक्षा बिहार दरोगा का कब तक होने का अनुमान है, ये इसके बारे में मैं बताऊंगा। मेंस एग्ज़ाम तैयारी के क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, बिहार सब इंस्पेक्टर का मेंस का परीक्षा का सिलेबस क्या है, जीके जीएस मैथ्स एवं रीजनिंग विषयों में क्या पैटर्न रहेगा, क्या पढ़ें, नेक्स्ट क्या कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए मेंस की तैयारी के लिए, नेक्स्ट क्या फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इन सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर विश्लेषण के तौर पे यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले पहला क्वेरी है जो, क्या प्रीलिम्स परीक्षा का जो मार्क्स है फाइनल सिलेक्शन के मेरिट में जोड़ा जाएगा, जो मेधा सूची तैयार होगा उसमें जोड़ा जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। नोटिफिकेशन में आप देखिएगा, बिहार दरोगा का जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, आरक्षण जो है आरक्षण वाइज किया जाएगा। तो आप सब यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो गया होगा, सीधा नोटिफिकेशन में दिया गया है जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा मेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनेगा, जो मेंस एग्ज़ाम में जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा उनका पहले सेलेक्ट किया जाएगा मेरिट में। दूसरा सवाल, मेंस परीक्षा बिहार दरोगा का बिहार सब इंस्पेक्टर का कब तक होने का अनुमान है? ये जितने भी सारे कैंडिडेट्स का अब तक जो मेंस का आया है, जो स्टेन से जुड़े हुए हैं, उन सभी का ये सवाल है कि बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम कब तक होने की अनुमान है। तो आप सभी से मैं एक नोटिस कराना चाहूँगा, एग्ज़ाम से पहले बिहार एक मार्गदर्शक का जो बिहार का करंट अफेयर्स का जो ट्यूटोरियल लाया था उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बोला था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2019 के इलेक्शन से पहले सिलेक्शन फाइनली होना चाहिए, ठीक है। आप देखिएगा वो मैंने अपलोड किया था वो ट्यूटोरियल्स फरवरी में, एग्ज़ाम से एक से डेढ़ महीना पहले, बिहार मार्गदर्शक 1, उसमें ये बताया गया है। उसमें क्लियर रूप से बताए हैं कि 2019 से पहले ये सारा चीज़, 2019 फरवरी के पहले ये सारा चीज़ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक उसी के अनुरूप यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे, दो महीना भी नहीं हुआ, 11 मार्च को एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स हुआ था और अभी 11 मई भी नहीं हुआ, दो महीना भी नहीं हुआ और प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका। तो आप सब समझ सकते हो कितने फाइनल और फास्ट मोड में ये प्रोसेस चल रहा है। तो इसके अनुसार मैं बताना चाहूँगा, मेंस एग्ज़ाम का जो डेट आएगा, जो कंडक्ट किया जाएगा मेंस एग्ज़ाम, दो महीने के अंदर जुलाई के लास्ट तक आप सभी का ये मेंस एग्ज़ाम का पूरा स्वरूप तैयार कर दिया जाएगा और जुलाई के अंत तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा दो महीने के अंतर्गत। तो आप सभी का ये दूसरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तीसरा डाउट है, मेंस एग्ज़ाम तैयारी की क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? तो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप सभी से सजेशन है, आप सब प्रैक्टिस टेस्ट कहीं भी हो, इंडिया के किसी भी राज्य में हो, प्रैक्टिस टेस्ट अपनाएं, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये काम करें, प्रॉपर सिलेबस के साथ ये नीति अपनाएं मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और नई चीज़ें पढ़ने से पहले आप सब समझें, अगर डेली अगर आप 6 घंटे दे रहे हैं या 8 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे में 4 घंटे अपना दीजिए, जो प्रीवियस का जो रिवीजन है उस पे दीजिए 4 घंटा, 2 घंटा कुछ जो नया है
एक्स्ट्रा है वही पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा जो अब तक पढ़े हैं उसी को रिवीजन में समय दें और उस पे और अपना पॉइंट्स पकड़ मजबूत बनाएं। अगला सवाल, बिहार सब इंस्पेक्टर का मेंस का जो परीक्षा कंडक्ट होगा, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, उस मेंस एग्ज़ाम का ये प्रॉपर सिलेबस क्या है? काफ़ी सारे कैंडिडेट डॉप में हैं तो ये सारे बातों को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले दो प्रश्न पत्र का एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहला होगा हिंदी, हिंदी में 100 प्रश्न होंगे और दूसरा जनरल जीके का जो होगा। हिंदी का जो पेपर है, जो पहला पेपर है, 100 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे और 200 नंबर का होगा। हिंदी का प्रश्न पत्र केवल पास करने के लिए रखा गया है। आपको अगर 100 प्रश्न है तो उसमें कम से कम आप सभी को 30 प्रश्न एकदम परफेक्ट सही होना चाहिए, कम से कम 60 नंबर आना चाहिए 200 में। ओके, 30% आप सभी को यहाँ पे सिक्योर करना है मार्क्स एनी हाउ। और इसका दूसरा पेपर, सेकंड पेपर जो जीके जीएस का है, ये आप सभी को निर्धारित करेगा, आप सभी का जो मेहनत है उसका निर्धारित करेगा मेधा सूची में आपका नाम दर्ज कराने के लिए। तो आप सभी को दूसरा पेपर के लिए एकदम बेहद गंभीर रूप से तैयारी में जुट जाना चाहिए। मेंस का जो पेपर है, जो मेरिट सूची का जो निर्धारित करेगा, ये 100 मार्क्स का 100 प्रश्न होंगे और इसमें 200 नंबर के ये पूरा पेपर होगा। टोटल 100 प्रश्न होंगे। इसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र और इतिहास और मैथ्स और रीजनिंग, ये 6 विषयों को इसमें रखा गया है। अब सवाल है कि ये 6 विषय में से टोटल 100 प्रश्न आएंगे। अब सारे कैंडिडेट्स का मन में ये सवाल है कि कौन से सेक्शन से, कौन से सब्जेक्ट से कितना प्रश्न प्रश्न पत्र में रखा जाएगा। तो यहाँ पे डाउट आप सभी को क्लियर करा रहा हूँ। समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र और इतिहास, ये चारों से 60 नंबर करीब आएगा, 60 नंबर का करीब, कम से कम 60 नंबर इससे आएंगे, 60 प्रश्न आएंगे। और मैथ्स और रीजनिंग से 40 आने की ज़्यादा संभावना है। आप सभी से एक बातें और पॉइंट कराना चाहूँगा, बीपीएससी का जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उसमें मैथ्स का भी सवाल पूछे जाते हैं। करीब 100 नंबर का पेपर हुआ है काफ़ी सारा, उसमें मैथ्स के भी सवाल पूछे गए हैं। तो आप सभी को ये रिमाइंड करना होगा, अगर आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं, हर पेपर में 10 से 15 प्रश्न रखा गया है ये बीपीएससी का, पिछले काफ़ी सारे एग्ज़ामों का, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें करीब 10 प्रश्न रखा गया मैथ्स से, और वो मैथ्स में कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ये भी डाउट आप सभी को क्लियर करा रहा हूँ। बीपीएससी के अभी जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर का, उस पेपर में अधिकतम प्रश्न जो पूछा गया है वो अलजेबरा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अलावा जो परसेंटेज और रेशियो पे प्रश्न अधिकतम रखा गया है और नंबर सीरीज से। तो ये करीब 8-10 जो चैप्टर है, ये सब्जेक्ट का जो चैप्टर है, यहाँ से अधिकतम प्रश्न रखा गया है। इसमें क्या रखा जाएगा इसके लिए अब आप सब अनुमान लगा सकते हो। दूसरा पॉइंट रीजनिंग का, तो रीजनिंग का जो होगा ये रीजनिंग वाला आप सभी के लिए ईजी होगा, ईजी मॉडरेट पे होगा, ईजी से मॉडरेट। आप सब समझेंगे कि बैंक वाला रीजनिंग आएगा, तो ये नहीं, बैंक वाला रीजनिंग नहीं आएगा, आपको डाउटफुल रीजनिंग आएगा जो मॉडरेट में आता है। तो एकदम सिंपल रीजनिंग आप सभी को नहीं पढ़ना है। मैं आप सभी को कौन कौन सा पार्ट्स पढ़ना है, कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना है, मैं जो आप सभी को गाइड करूंगा स्टेटस के जरिए, मैं काफ़ी सारा प्रश्न रखूंगा रीजनिंग से, व्हाट्सएप का जो स्टेटस है उस पर रीजनिंग से, मैथ से, जीके से सारा प्रश्न मैं रखूंगा। और आप सभी को जो स्टेटस पे 10-10 प्रश्न आएंगे रीजनिंग, मैथ्स, जीके से, स्पेशली बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए, वो सारे प्रश्नों को आप सभी को आंसर देना है। सब लोग आप सब देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उस प्रश्नों का सोल्यूशन मैं ये चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। वो एक सिंपल टेस्ट है, ठीक है, स्टेन के
व्हाट्सएप का जो नंबर है उसका जो स्टेटस है, स्टेटस पे प्रश्न आएगा। इन सारे प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को स्टेन के स्टेटस जो है, स्टेटस के जरिए टेस्ट लिया जाएगा। स्टेन का जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया जाएगा, उस पर प्रश्नों का सीरीज रहेगा आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, ट्रिग्नोमेट्री से, ये मेंस से और रीजनिंग से, और ये जो इम्पोर्टेंट जीके है उससे वहाँ पे प्रश्न रखा जाएगा। और स्टेटस पे जो भी प्रश्न रखा जाएगा उसको सभी जो व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है स्टेन के, केवल वही लोग उसका स्टेटस देखकर उसका सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जितने लोगों का सॉल्व होगा सही है, बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद स्टेटस का जितना भी प्रश्न रहेगा ये ट्यूटोरियल्स में स्टेन के चैनल के माध्यम से सॉल्यूशन करके आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक वो टेस्ट है, केवल व्हाट्सएप के जो स्टेटस है उस पर केवल प्रश्न आएगा। वो सारा इस लेवल का जितने भी बीपीएससी में अब तक प्रश्न पूछा गया, बीएसएससी में पिछले पूर्व के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया, उसी का आधार रखकर स्टेन के स्टेटस पे रखा जाएगा। और वो प्रश्नों को आप सभी को सॉल्व करना है ताकि आप सभी को रिविजन भी हो जाए। तो ये कुछ मेरा प्रयास है, स्टेन की तरफ से प्रयास है कि आप सभी को थोड़ा गाइड मिल जाए। और उसमें जीके, जीएस और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जो पॉइंट्स है, वो सारे वैसे सारे प्रश्नों को भी रखा जाएगा। और आप सभी को स्टेटस देखकर वहीं पे जवाब दे देना है। और उसके बाद मैं इस चैनल के माध्यम से उसका सोल्यूशन देकर, एक्सप्लेन करके मैं वहाँ पर आप सभी को डाउट क्लियर कराने को कोशिश करूँगा। अब पॉइंट्स है, समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र और इतिहास में क्या पूछा जाएगा। तो आप सभी से बताना चाहूँगा, समान अध्ययन में जो जनरल है, जनरल जीके है, जैसे गौतम बुद्ध, जैन धर्म, गौतम बुद्ध, जैन धर्म ये करीब इंडिया के सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये शिक्षा को आप सब याद रखना। जो अभी सोशली जो चल रहा है, जैसे बॉर्डर इशू है, तो ताशकन समझौता, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति का जो चुनाव, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों का नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स, ये सब पॉइंट्स इसमें फोकस करना आप। और विज्ञान में कृषि, जल, वातावरण, वायु प्रदूषण, जैविक खेती, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, तो ये जो अभी जो सोशली जो अवेयर, जो सोशली इशू जो चल रहा है, करीब उसी को फोकस करके ये आप सभी को जो जीके में है, विज्ञान में है, उसमें रखा जाएगा। ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रश्न वैसा रखा जाता है जो आपके समाज, जो हमारे वातावरण में जो हम सामना करने को मिलता है, तो वैसे सारे प्रश्न को इसमें रखा जाएगा, जैसा कि हम सब देखें प्रीलिम्स के एग्जामों में। तो कृषि, मौसम, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक्स से जो जीएसटी वगैरह जो है, उसका जो 3 साल 4 साल पहले का, मतलब कि टैक्स से जो इकोनॉमिक का जो सोर्स है इंडिया का, उन सारे टर्म्स को थोड़ा आप सब पढ़ लेना। बिहार दरोगा का सिलेक्शन होगा आप सभी का, तो आप सभी को जो पॉलिटिकल साइंस में जो फंडामेंटल राइट्स होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज होता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होता है, तो इन सारे टर्म्स पे फोकस करना। और जो जियोग्राफी सेक्शन में है, तो जियोग्राफी सेक्शन में जैसे बॉर्डर का इशू है, जो चाइना, बांग्लादेश, ये जो भी चीज़ें हैं, ये बॉर्डर से जुड़े, वातावरण से जुड़े, ये सारे टर्म्स को आप सब याद रखना। इन्वायरमेंट से जुड़े आप सब ये पॉइंट्स याद रखना, इस पर फोकस करना। और आप सभी से इन्फॉर्म करना चाहूँगा, जो स्टेन के स्टेटस पे जो टेस्ट का एक मोड शुरू किया जाएगा, उन सारे प्रश्नों पे आप फोकस करना। वैसे सारे प्रश्न रखे जाएंगे कि जो आपके एग्जाम पॉइंट्स को फोकस करेगा, तो आप सब उन सारे प्रश्नों पे अवश्य फोकस करना। नागरिक शास्त्र का यहाँ पे दर्शाया गया, पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, इतिहास से पूछे जाएंगे। अब रही बात कि स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल है कि क्या सर बिहार से कोई जीके पूछा जाएगा, तो आप सभी से मैं बताना चाहूँगा, अभी समय है, तो आप सब अभी से प्रिपरेशन तैयारी करोगे, करीब 4 घंटा या 6 घंटा अगर दोगे, तो उसमें कम से कम 20% भी, 10% भी बिहार के लिए दोगे, तो एक प्रकार से आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। आप अगर नहीं पढ़ कर जाते हो बिहार से, तो आप सभी का मन में तो है कि बिहार से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, कम लगेगा कि यार कहीं एग्ज़ाम में पूछ दिया
बिहार से, तो क्या जवाब देंगे? तो आप सब थोड़ा बहुत राउंड अबाउट थोड़ा बहुत आप सब पढ़ लेना, जैसे बिहार का जियोग्राफी है, बिहार का कृषि है, बिहार का योजना है, बिहार का इकोनॉमिक कंडीशन है, तो ये सारे पॉइंट्स आप सब याद रखना, जैन बौद्ध और ये जो गांधी जी का चंपारण, तो ये सारे बातें याद रखना, इन सारे बिंदुओं पे आप सब फोकस करना, आप सभी का ये टर्म्स कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा संभावनाएं हैं इन्हीं क्षेत्रों से प्रश्नों को रखा जाएगा। अगला सवाल, क्या कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए मेंस की तैयारी करने के लिए? तो आप सभी से बताना चाहूँगा, कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े हैं उसी पे फोकस करें, और जो एक टेस्ट सीरीज होता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या जो टेस्ट का एक बुक होता है उसे आप सब ने उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस बुक से उसका रिवीजन करें, जो पूर्व के एग्ज़ाम का जो पेपर है उसको सॉल्व करें। कोचिंग जाना सही नहीं है, अनुचित है, ठीक है, क्योंकि 2 महीने में आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप सब धैर्य नहीं खोएं, धैर्यता रखें, क्योंकि धैर्यता में ही सफलता है। आप सब जो पीछे का जो एग्ज़ाम का पेपर है उसको सॉल्व करें, 2 महीने में आप सब कोई बड़ा विद्वान नहीं बन जाएंगे, और आप सभी का इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेस्ट है अपना जो ग्रुप है, जो आप सभी के साथ जो ग्रुप में लोग हैं, अपने ग्रुप में 4-5 स्टूडेंट मिलकर, 10 स्टूडेंट मिलकर, जो भी प्रश्नों पे आप सब वीक फील कर रहे हो उस पे डिस्कस करके आप सब कंसेप्ट को क्लियर करें, ताकि ये आपका एग्ज़ाम के लिए ये बेहतर होगा। कोचिंग जाइएगा, समय वेस्ट कीजिएगा, पैसे खर्च कीजिएगा, और उससे अच्छा आप सब ग्रुप में रहकर पढ़ाई कीजिएगा। 2 महीने में आप सब क्या पढ़ सकते हैं? 2 महीने में आप सबको कोचिंग वाला क्या पढ़ा सकता है? तो बेस्ट है कि अपने आपके जो सीनियर है उन लोगों से गाइडलाइंस ले, वो लोग गाइड करेंगे, जो काफ़ी सारे बीपीएससी के एग्ज़ाम दे चुके हैं उन लोगों से गाइड ले, वो भी लोग बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे, तो कोचिंग जाना अभी अनुचित है, ठीक है। क्या फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? ये सवाल काफ़ी अच्छी है। फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप सभी को मेंस पे फोकस करना चाहिए। मेंस की पे फोकस करें और सुबह जॉगिंग कर लें। अगर आपके पास ज़्यादा पर्याप्त समय है, पूरा फ्री है, फुल डे फ्री है, तो आप सब फिजिकल पे ही पूरा फोकस कर सकते हैं, फिजिकल पे ध्यान दे सकते हैं। अगर आपके पास कम समय है तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स, रीजनिंग, जो मैथ्स का जो इसका जो सिलेबस है, जो जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों पे फोकस करें, रिवीजन करें, बेस्ट होगा। सुबह सुबह रिवीजन करें, वो काफ़ी फायदेमंद होता है, तो आप सब भी इस पे फोकस करें। फिजिकल के लिए डेली जॉगिंग ज़रूर करें, आप लेग जो है पैर उसको स्ट्रेचेबल बनाना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पहले से स्ट्रेच रहेगा, स्ट्रेचेबल रहेगा, तो आप सब को दौड़ने में काफ़ी आसानी होगा। तो आप सब घर में हैं तो घर में जॉगिंग करें, घर में ही जो लॉन्ग जंप है उसको लॉन्ग जंप करने का कोशिश करें। तो ये सारे जो बेसिक चीज़ें हैं अब तक शुरू करते, फिजिकल में बेसिक चीज़ें हैं, उतना टफ भी नहीं ले, अभी एग्ज़ाम का मेंस हो जाएगा उसके बाद जी जान लगा दें फिजिकल के लिए। उसके बाद 2 महीने कम से कम समय दिया जाएगा फिजिकल के लिए, फिजिकल के प्रिपेयर होने के लिए। तो अभी केवल जॉगिंग में ज़्यादा फोकस करें, जॉगिंग करें, हेल्थ पे खाने पर ध्यान दें अभी बेहतर है। फिजिकल के लिए अपने को हेल्थफुल भी होना बेहद ज़रूरी है, तो अभी से आप सब पहले शरीर को स्ट्रांग बनाएं, फिर उसके आगे आप सब ये प्रोसेस अपना सकते हैं। तो ये कुछ ये रहा फिजिकल की तैयारी से जुड़े, मुझे उम्मीद है इन सारे पॉइंट्स से आप सभी को काफ़ी मदद मिलेगा। सो थैंक यू गाइस, सी यू अगेन विद सम न्यू नेक्स्ट अपडेट्स। अगर आप सभी को कोई भी डाउट्स होगा, डायरेक्ट स्टैन के व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सब डायरेक्ट अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, सी यू अगेन विद सम न्यू नेक्स्ट अपडेट्स। थैंक यू।